हेलो फ्रेंड, मैं अनुप, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से हमारे चैनल रामक पैट पर। सो फ्रेंड, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो चलिए फ्रेंड, आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ एक तरह से आपके लिए न्यूज़ है हमारे लिए। आज जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो 2024 का जो बजट था, ठीक है, उसमें निर्मला सीतारमन जी थे, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने बताया था कि हम लोग अब इंटर्नशिप करवाएंगे। तो वही इंटर्नशिप पहला आपको निकलते हुए आ गया है, YTI निकाला है, ठीक है। वो इंटर्नशिप आपका क्या है, कैसे है, उसके बारे में हम लोग इस पर बात करेंगे, ठीक है। आपको यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम है, क्या ये वर्क फ्रॉम होम है, क्या इसमें स्टाइपेंड मिलने वाला है, कितना मिलेगा, ठीक है, कौन इसको फिल कर सकता है, कौन एलिजिबिलिटी है, आगे हम लोग इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी के हुए, लेकिन एक बार याद रखिएगा, जैसे कि बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जो इंटर्नशिप आया है सिर्फ टेक्निकल वाले के लिए, BTech, MTech, BCFC वो लोग के बारे में, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। नॉर्मल जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, लोग के लिए भी है। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसको फिल करेंगे, क्या क्या फी है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। YTI.government.in इंटर्नशिप में डाला हूँ, ठीक है। आपके पास यह लिंक कुछ आपको देखने को मिलता है, जिसमें मैंने फर्स्ट लिंक पर जब क्लिक करता हूँ तो मुझे ये कुछ इंटरफेस देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए, इंटर्नशिप इन YTI और इंटर्नशिप इन YTI, क्लिक हेयर, इंटर्नशिप पॉलिसी टाइप PDF, डॉक्यूमेंट साइज 0.5 MB, एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट मे सेंड रेजो इन दिस ईमेल आईडी। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक आपको PDF प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें आपको बताया गया है कि क्या कैसे करना होंगे, और फिर इसको हम लोग रिज्यूम में बनाए कर भेजेंगे। लेकिन रिज्यूम में क्या भेजेंगे उसको हम लोग थोड़ा सा अब ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये आपका इंटर्नशिप पर्पस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखिए, इंटर्नशिप पर्पस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास पर्पस दिया हुआ है, इस पर्पस में आपको बताया गया है लाइक साइबर लॉ और IT एक्ट के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इंटर्नशिप क्या है ये आप पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। मैं यहाँ जो मेन मोटिव है उस पर हम लोग चलते हैं कि ये कौन फिल कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंटर में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसका क्या है। ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर दिस पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंडियन होने चाहिए, जो कि हम लोग हैं, तो हम लोग यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया और अब्रॉड फुलफिलिंग फ्लोइंग कंडीशन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप। अगर आपको कहीं से बोनाफाइड में मिल रहा है कोई कॉलेज से, तो भी आप यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी से, तो आप यहाँ फिल कर सकते हो, ठीक है। आप बोनाफाइड क्या होता है, तो बोनाफाइड आपको पता है कॉलेज की यूनिवर्सिटी से आपको बोनाफाइड मिलता है, ठीक है। वो बोनाफाइड बना के देता है, इसमें प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है, ठीक है। तो हम लोग उसकी हम लोग यहाँ फिल कर सकते हैं। अब आगे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। स्टूडेंट स्टडी थर्ड फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है, BTech PE कोर्स ऑफ डिसिप्लिन 60% मार्क। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो भी BTech कर रहे हैं या PE कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, उनका थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर में आप होने चाहिए, या दैट मीन्स आप फाइनल में भी हो सकते हो, चलेगा, ठीक है। मतलब आप मिनिमम आप 6 महीना उस कोर्स में आप किए हो, ये बता रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप सेमेस्टर फोर में हो, ठीक है, तो सेमेस्टर थर्ड में आपका 60% एनी हाउ चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल है 60% किसी का भी आ जाता है, ठीक है। तो 60% चाहिए तभी आप इसको फिल कर सकते हो। सेकेंड में बी में देखिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट हैविंग कम्प्लीटेड अपीयर इन द टर्म एंड एग्जाम ऑफ फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑन परस्यूइंग रिसर्च एंड सिक्योर नॉट लेस देन 60% इक्विवेलेंट मार्क्स इन ग्रेजुएशन। दैट मीन अगर आप ग्रेजुएशन में हो, सेकेंड सेमेस्टर में अपीयरिंग में हो, या कम्प्लीटेड हो गया, कोई PhD है, तो वो भी इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह PG में भी, जो PG में है, जो PG अभी कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, ठीक है, वो भी इसको फिल कर सकते हैं, ठीक है। बट वही क्राइटेरिया आपका रहेगा, 60% आपको ग्रेजुएशन में चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ आपको दिया गया है कि मंथ ऑफ जून दैट ही सी कैन अप्लाई बिगनिंग टिल द मंथ ऑफ दिसंबर। दैट मीन्स आपका यहाँ पे रिजल्ट आपका जून में क्लियर कर दिया है। दैट मीन्स यहाँ पे सिंपल से आपको बताया जा रहा है कि 6 मंथ तक आपका यहाँ पे चल सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे 6 मंथ का मतलब क्या हुआ कि अगर आप ग्रेजुएशन में हो, तो आप 6 मंथ अगर हो गया है तो ही आप इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। दैट आपका कहीं भी एडमिशन 6 महीना तक अगर आप वहाँ पे, तो आप वहाँ से कुछ कर सकते हो, वहाँ से आप इंटर्नशिप कर सकते हो। नहीं, आप इंटर्नशिप का और कुछ क्राइटेरिया वो देखिएगा, PhD वाले भी इसको फिल कर सकते हैं। थोड़ा सा और देखिएगा यहाँ पे क्या और दिया हुआ है, स्टाइपेंड आपको कितना मिलेगा, जो BTech वाले हैं, ठीक है, जो BTech वाले हैं, ठीक है, और जो MTech वाले हैं, अगर आप प्रीमिसेस में जाते हो, दैट मीन ऑफलाइन में जाते हो, ठीक है, अगर आप ऑफलाइन मोड में जाते हो, तो आपको 30,000 मिलेगा पर मंथ एंड 40,000 मिलेगा, ओके। लेकिन अगर रिमोट का मतलब वर्क इन होम,
दैट मीन आप ऑनलाइन करते हो, ठीक है, तो ऑनलाइन कीजिएगा तो इसका 50% हो जाएगा, यानी 50,000 मिलेगा, इसको 20,000 मिलेगा। दैट मीन्स ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड है, आप ऑफलाइन भी चूज कर सकते हो, ऑनलाइन भी। आप ऑनलाइन चाहो तो ऑनलाइन कर सकते हो, ऑफलाइन चाहो तो ऑफलाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर एम बी वाले अगर कोई है तो 40,000 मिलेगा और फिर उसको 20 मिलेगा। अब हम लोग क्या, जो नॉर्मल जो बच्चे इकोनॉमिक्स लेके पढ़ते हैं या अदर फील्ड में रहते हैं, जो लाइक इकोनॉमिक्स एंड लॉ, या पीएचडी में, तो पीएचडी का देखिए 50,000 है, 25,000 मिलेगा। यूजी का 20,000 है तो उसको 10,000 मिलेगा। पीजी में 30,000 है तो उसको 50,000, 15,000 मिलेगा। दैट मीन्स सिंपल सा बात है कि आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में आप लोग काम यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आइएगा, हाउ टू अप्लाई। अप्लाई बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको यहाँ पे कुछ फॉर्म मिला हुआ है, जैसे आप पेज नंबर 8 टू 16 आपको निकाल लेना है, प्रिंट आउट कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ अंडरटेकिंग यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आपको निकाल लेना है प्रिंट आउट पूरा नीचे तक, ठीक है, और उसको अपने हैंड रिटेन में आपको फिल करना है जो भी है, ठीक है। फिर उसका पीडीएफ बनाना है, समझ लेना मेरी बात, उसका आपको पीडीएफ बनाना है, ठीक है, उसका आपको पीडीएफ बनाना है, उसमें आधार कार्ड अटैच करना है, ठीक है, उसमें आधार कार्ड आपको अटैच करना है, और उसका पीडीएफ बना के उसको आपको जीमेल में सेंड कर देना है, ठीक है। रिज्यूम भी रहेगा और उसको जीमेल में सेंड कर देना है, उसका कोई फी नहीं है, ठीक है। अगर आप जीमेल में नहीं करना चाहते हो तो आप पर्टिकुलर जो आप पोस्ट करते हो उस पर आप पोस्ट कर सकते हो, सबका देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस में भी आप डायरेक्ट पोस्ट कर सकते हो ऑफलाइन, ठीक है। तो आई होप समझ में आया होगा आपको। अगर आप बोलेगा कौन सा रिज्यूम में, कौन सा हमको ईमेल आईडी में सेंड करना है, तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पे देखिए आपका ये इंटर्नशिप UIDAI आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे आपको सेंड कर देना है, ठीक है। तो बस आपका ये सिंपल का तरीका है, कोई कोर्स फी नहीं है, कोई फी कहीं नहीं लग रहा है, ठीक है। आपको बस अपना रिज्यूम और आप जो वहाँ पे 8 टू 16 पेज निकालना है, उसमें एक पेज जो है ना आपका कॉलेज की ओर से वहाँ साइन किया जाएगा, जिसमें कॉलेज बताएगा कि मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हमको इंटर्नशिप से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो भी आपको अपलोड करना है, दैट मीन्स उसको पीडीएफ बना के उसको सेंड करना है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्लियर है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं नेक्स्ट फिर लाऊंगा कुछ अगर इंटरेस्टिंग इंटर्नशिप आता है तो। अगर ये आपको अच्छा न्यूज लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं।